देखिए बरसात का मौसम शुरू हो गया है, यूं तो हम वैसे ही कोरोना काल में प्रताड़ित हैं जी हाँ कोरोना की मार से। ऐसे में मॉनसून के टाइम पे आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, काढ़ा पीते रहना है, हो सके तो स्टीम जो है ना नॉर्मल भाप करते रहिए ताकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्लियर रहे, और अगर आप गार्गल कर सकते हैं नमक और हल्दी के वो बेस्ट है। आई मीन अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखिए और यकीन मानिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं लाइफ को बड़ी मज़ेदार बना देती हैं, छोटी छोटी बातें लोगों को भी मज़ेदार बनाती है। तो आज छोटी छोटी बातें जानेंगे कुणाल जोटवानी की। मैं करण जोटवानी और आज आप जानेंगे मेरे बारे में छोटी छोटी बातें। मैं सबसे पहले कैमरा फेस किया था 2013 में, जब मैंने चैनल वी के एक एपिसोडिक शो गुमराह का ऑडिशन दिया था, तो सबसे पहले मैंने तभी कैमरा फेस किया था। फेवरेट एक्टर पूरी दुनिया में है रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, शायद से मैं लगातार ये बोल सकता हूँ लेकिन दिल को छू जाता है वो आदमी। मेरी फेवरेट बॉलीवुड फिल्म है रॉकस्टार, वो भी रणबीर कपूर की पिक्चर है, क्योंकि वो पिक्चर में कुछ ज़्यादा ही एक 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 अलग ही वातावरण वो पिक्चर ने क्रिएट किया था। मेरा फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग अब तक ये है कि रॉकस्टार पिक्चर का है, पता है यहाँ से बहुत दूर सही और गलत के पार एक मैदान है, मैं वहाँ मिलूंगा तुझे। ये रूमी का कोट है लेकिन रॉकस्टार में इम्तियाज़ अली जी ने और रणबीर ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। मेरी फर्स्ट सैलरी मुझे मिली थी एट द एज ऑफ 17, जब मैं एक मार्केटिंग कर रहा था एक पिक्चर के लिए, तो 17 साल पे मुझे मिला था 2500 रुपीज़, जो मैंने इमीडिएटली मम्मी को दे दिया था। मेरे लाइफ का एम्बैरेसिंग मोमेंट ऐसा तो कुछ करा नहीं है, क्योंकि मैं हंस लेता हूँ एम्बैरेसिंग मोमेंट पे, तो एम्बैरेसिंग तब होना चाहिए जब आप एक्चुअली एम्बैरेस फील करते हो, तो ऐसा कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा नहीं है मेरे लाइफ में। मुझे डर फिलहाल और मेरे ख्याल से लाइफ में खुद से ही लगता है, क्योंकि कभी कभार हम चीज़ों से तो डरते हैं लेकिन अगर खुद से नहीं डरे तो फिर ज़िंदगी जीने का मकसद क्या है। मेरे टूथब्रश का कलर है वाइट, क्योंकि मेरे फ़ोन का कलर है वाइट, मेरी गाड़ी का कलर है वाइट, मेरे बाइक का कलर है वाइट। मेरी फेवरेट हॉबी है पोइट्री लिखना, मैं बहुत लिखता हूँ कविताएँ, और ये मौसम में तो बहुत मन करता है लिखने का, बस देखते हैं अगर टाइम मिलता तो डेफिनेटली लिखूँगा। मुझे गुस्सा इस बात से आता है अगर कोई मुझसे झूठ बोलता है, तुम क्योंकि मैं एक सच्चा इंसान हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट किस्म का आर्टिस्ट हूँ, अगर मुझे काम पे अच्छा लग रहा है मैं बोलता हूँ काम पे अच्छा लग रहा है, अगर मुझे नहीं लग रहा तो मैं बोलता हूँ नहीं लग रहा, तो झूठ से मुझे सख्त नफरत है। देखिए जब मैं बाहर अभी निकल रहा हूँ तो मेरे साथ सैनिटाइज़र, मास्क, उसके साथ साथ घर का खाना और जो नॉर्मल चीज़ें हैं फ़ोन, वॉलेट एट्सेट्रा, वो सब तो नॉर्मल ही है, वो साथ में रहता ही है। अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं एक सोशल वर्कर होता, कोशिश यही करता कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि प्लीज़ अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में मत भेजिए। जी मैं तो बॉम्बे का ही हूँ, तो ये जो मॉनसून है एग्जैक्टली जैसा मैं पॉज हो गया हूँ अभी, कभी कभार इसको देखकर आप भी पॉज हो जाते हो, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, हो सके तो एक चाय और थोड़े पकौड़े और समोसे हाथ में और टेबल पे हो तो बहुत अच्छा हो, बट कभी कभार ये कुदरत का एक करिश्मा एक तरफ से, और हमारे पास 4 महीने के लिए आता है मुंबई में, तो खूबसूरती से हरियाली बाहर आ जाती है और साथ बाय साइड अगर कुछ करीब दोस्त साथ में हो तो बहुत अच्छा लगेगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।